हेलो गाइस, वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन न्यू वीडियो। दोस्तों आज आप मेरे जो है नए सेटअप देख रहे होंगे गाइस, आज हम इसी सेटअप के बारे में जो है बात करने वाले हैं। कंप्लीट कवर कितना खर्च हुआ मुझे इस सेटअप को क्रिएट करने में और कितना समय लगा मुझे इस सेटअप को क्रिएट करने में। बाय द वे गाइस, अगर आप नए हैं तो आप ज़्यादा खर्च मत करना अपने यूट्यूब सेटअप पर। फिलहाल गाइज मेरे को तो काफ़ी साल हो चुके हैं। फिलहाल ये जो अभी आप वीडियोस देख रहे होंगे गाइज, ये मेरा नया चैनल्स है और जिसमें मैं अभी आपको टेक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता हूँ। मैं ऑलरेडी एक चैनल चलाता हूँ जिसमें मैं एलिटिकल वीडियोस क्रिएट करता हूँ गाइज। तो ये खर्च जो किया है मैंने वो सारे यूट्यूब मनी से किया है, अपने जेब से या अपने जो पैसे हैं उससे मैंने एक भी रुपये नहीं लगा रखा गाइज। तो ये सारे चीज़ जो है मैंने वहीं से किए हैं, सारे सपने मैंने वहीं से कंप्लीट किए हैं। तो वन बाय वन मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा कि मेरे सेटअप में क्या क्या गैजेट्स हैं जिसको मैं अपने यूज़ करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे एक आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि अगर आप अपने एक यूट्यूब स्टूडियो को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से एसेसरीज़ की नीड पड़ सकती है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आपको हमारे इस वाले चैनल पे यूट्यूब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है और आपको मोटिवेट करने के कहीं ना कहीं जो है हम कोशिश करते हैं और आप मोटिवेट बनाए रखें और यूट्यूब में वर्क करें, लगातार वर्क करें। तो इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको मोटिवेट बना के रखने के लिए। तो एक ये बोल सकते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस भी बोल सकते हैं, क्योंकि गाइस देखो ये सब चीज़ देख के ना लोग मोटिवेट होते हैं, तो एक मोटिवेट वीडियोस भी इसको समझ सकते हैं आप। सो गाइस चलो फिर फटाफट जो है वन बाय वन हम आपको हर चीज़ दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस हमारी सेटअप कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना गाइस वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आई होप गाइस मैंने बहुत मेहनत करी है अपनी इस सेटअप को क्रिएट करने के लिए और अपने हाथों से बनाई है सारी चीज़। मेन बात है कि अपने हाथों से बनाई है, कारीगर यहाँ पर मैंने नहीं बुलाए। टेबल ठीक है, जो भी चीज़ है मैंने अपने हाथ से क्रिएट किए हैं गाइस, तो इसलिए टाइम लगा है। मेरे को अराउंड जो है 7 to 8 months लगे, क्योंकि गाइस मेरे पास इवनिंग में थोड़े बहुत टाइम बचते थे आधा एक घंटा, तो उसी में मैं निकाल के जो है अपने इस स्टूडियो को क्रिएट किया मैंने। तो आई होप गाइस कि आपको हमारी नई स्टूडियो पसंद आ रही होगी। तो चलो वन बाई वन अब आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से जो गैजेट्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम अपने वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए जो यूज़ करते हैं और लाइटनिंग फैसिलिटी हमने कैसे दे रखी है, वो सारी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस कुछ फ्रंट जो ऐसे आने वाला है हमारा बैकग्राउंड और वहाँ पे हमारे ऑर्सिट है, वहाँ पे बैठ के हम जो है वीडियो शूट किया करेंगे। तो आई थिंक सो कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। हमने यहाँ पे एक प्लांटेशन लगाया गाइस, देख रहे होंगे आर्टिफिशियल प्लांटेशन है, नेचुरल नहीं है, बट हमने एक सिर्फ अपनी स्टूडियो को अच्छा लगे और थोड़ी सी बैकग्राउंड में एक अच्छी लुक आए इसके लिए हमने एक आर्टिफिशियल जो है यहाँ पे प्लांट लगाया है। और गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास है गिम्बल, अराउंड कॉस्ट जो है 10,000 का था गाइस मैंने लिया था, और फॉर द ब्लॉग वीडियोस एंड सिनेमेटिक वीडियोस कैप्चर के लिए जो है मैंने इसको यूज़ करता हूँ। और गाइस इधर की तरफ आएंगे तो एक यहाँ पे आपको देखने को मिलती है स्मॉल ट्राइपॉड फॉर द ब्लॉगिंग में मैं इसको यूज़ करता हूँ। और गाइस इधर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक शॉटगन माइक दिख जाता है जिसको मैं अपने ब्लॉग के दौरान पे यूज़ करता हूँ, और एक बोया का माइक ये है जो अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। और इधर की तरफ आएंगे तो गाइस यहाँ पे हमने लगा रखी है फाइबर की ब्रॉडबैंड सिस्टम ताकि नेट की स्पीड जो है वो बराबर हमें मिलते रहे। और गाइस मैं अगर आपको अंदर की तरफ ले जाऊँ तो गाइस यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे है हमारे पास एक रिंग लाइट डिजिटेक का 18 inch का रिंग लाइट है। अभी फ़िलहाल इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट पहले यूज़ करता था गाइस, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक हेडफोन का यूज़ करता हूँ जब मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ। और गाइस यहाँ पे एक प्लांटेशन का और ध्यान रखा है हमने ताकि हमारी बैकग्राउंड और अच्छी लगे। अभी प्लांटेशन और भी लगानी है हमें, फ़िलहाल अभी वन बाई वन हम धीमे धीमे कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कुछ स्पीकर्स रखे हैं, जब कभी अगर हमें एंटरटेनमेंट लेना होता है अपने आप को खुद को, तो हम इस स्पीकर के माध्यम से जो है गाने वाने सुन लेते हैं, अपनी वीडियोस को देख लेते हैं। और गाइस यहाँ पे है हमारे पास एक बड़ा सा स्क्रीन यानी मॉनिटर, और अराउंड 32 inch का मॉनिटर है जिसमें हमें एडिटिंग करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और एक्वास्टिक फोम जो है हमने
ध्यान रखने की कोशिश करी है। तो ये बैक में जो है पूरा हमने एकोस्टिक फॉर्म लगाई है, जहाँ पे मैं बैठूँगा, ये रही हमारी हॉट सीट, यहाँ पे बैठता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस। तो यहाँ पे बैठने के बाद गाइज यहाँ पे जो है हम अपने वीडियोस को शूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे भी देखो, यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ भी हमने लगा रखे हैं, ऐसे क्या है कि एक अलग से लुक भी देती है और कॉस्टिक में मतलब आपकी साउंड एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक ना। अब लाइट की अगर बात करें तो गाइज यहाँ पे है हमारे पास विंडो, नेचुरल लाइट तो हमें वहाँ से मिल ही जाती है, बट क्या है कि वो साइड चली जाती है, हमारी टेबल इधर को है तो हमने इसलिए लगा रखी है। ऊपर गाइज यहाँ पे देखो 3 ट्यूबलाइट्स लगा रखी है, और ये 3 ट्यूबलाइट्स को मैंने अभी ऑन किया है, और मेरे हिसाब से आपको इस 3 ट्यूबलाइट्स में भी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक सो कि नो एक्स्ट्रा लाइट नीडेड, तो मेरे को रिंग लाइट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप गाइस कि आपको हमारी जो ये न्यू सेटअप है ये आपको पसंद आई होगी, और आने वाले सारे वीडियोज़ अब आपको इसी सेटअप पे मिलने वाली है। तो बस गाइस आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि गाइस यार एक लेवल की खुशी जो है ना वो अलग खुशी होती है। क्योंकि गाइस देखो एक ड्रीम था कि मैं एक अपना अच्छा सा सेटअप बनाऊं, तो थोड़ा बहुत जो है वो मेरी सपना जो है पूरा हुआ है फ़िलहाल। अभी और मेरा एक ड्रीम है जिसमें मैं अपनी फुल सेटअप करने वाला हूँ, और उसमें गाइस अभी रिवील नहीं करने वाले, बट है सपना। लेकिन जब मैं ठीक ठाक लेवल में पहुँचूँगा ना गाइस, 1 मिलियन के अराउंड जब पहुँचूँगा तब मैं उसको क्रिएट करूँगा। और एक प्रोफेशनल जो स्टूडियोज़ होती है ना, आप समझ सकते हैं, प्रोफेशनल स्टूडियो जो होती है वो मैं बनाना चाहता हूँ गाइस। सो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।